गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ नेचुरल फाइबर इज ड्राइव फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल. नेचुरल फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर आर कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट, एंड दोज ऑफ एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल. जो प्लांट फाइबर हैं वो कौन कौन से हैं? कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, और जो एनिमल फाइबर है ये सिल्क एंड वूल. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एनिमल फाइबर. इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिल्क. क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क फैब्रिक आर सॉफ्ट, लक्जरियस एंड एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल. सिल्क से जो क्लोथ होते हैं, सिल्क फैब्रिक से जो क्लोथ बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, लश्रस होते हैं, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल होते हैं पहनने में. दो कॉस्टली सम वैराइटीज़ ऑफ सिल्क फैब्रिक, ये कॉस्टली होते हैं यानी कि महंगे होते हैं. इसकी कुछ वैराइटीज़ है जैसे कि क्रीप है, सर्टेन, डेमिस्क एंड टैफेटा, ये जो है ज़्यादा डिमांड में रहते हैं. द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज़ अबाउट 4500 ईयर ओल्ड. जो सिल्क की जो हिस्ट्री है वो 4500 ईयर ओल्ड है. द चाइनीज डिस्कवर्ड द हिमालय सिल्क मॉथ एंड इंसेक्ट. सबसे पहले जो सिल्क की जो डिस्कवरी की थी वो चाइना ने की थी. इन्होंने जो है एक इंसेक्ट, मतलब एक कीड़ा होता है, उससे सिल्क ऑब्टेन किया था, हिमालयन सिल्क. द फीमेल ले एग्स फ्रॉम विच एमर्ज लार्वे कॉल्ड सिल्क वर्म. जो फीमेल मॉथ है वो एग को ले करता है जिससे लार्वा मिलता है, जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं. द चाइनीज लर्न हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म. चाइनीज ने सबसे पहले चाइनीज ने सीखा कि किस तरीके से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वर्म से. फॉर मैनी सेंचुरीज द कैप डिज एट आर्ट अ सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. काफ़ी टाइम तक इन्होंने सिल्क का जो प्रोसेस है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसको सीक्रेट रखा बाकी वर्ल्ड से. बट अदर कंट्रीज लर्न हाउ टू मेक सिल्क अल्टीमेटली. लेकिन बाकी जो कंट्री हैं उन्होंने भी जो है सिल्क ऑब्टेन करना सीख लिया. Let us see how silk is obtained nowadays. The whole process of obtaining silk fiber from silk moth is known as sericulture. ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि जहाँ पर हम सिल्क मॉथ से सिल्क हमें किस तरीके से मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं. From silk moth to silkworm. In a silk farm, female silk moth are kept in separate linen bags which are carefully disinfected. सिल्क फार्म में जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, यानी कि जो सिल्क के जो कीड़े होते हैं, उन्हें सेपरेट रखा जाता है लिनन के बैग्स में, जो कि एकदम से उन्हें डिसइंफेक्टेड होते हैं. ईच मॉथ लेज 200 to 500 एग्स इन द बैग एंड डाइज. हर जो मॉथ है वो करीब 200 से 500 एग्स को ले करता है और फिर डाई हो जाता है. Of all these, some eggs are preserved for reproduction and the rest are used for producing silk. अब इसमें से भी कुछ eggs को तो reproduction के लिए रख दिया जाता है ताकि हमें नए moths मिल सके, और बाकी को product silk के production के लिए use किया जाता है. Now, the eggs chosen for producing silk are kept in perforated cardboard boxes on bamboo trays places in incubator to keep them warm. ये जो egg होते हैं जिनसे हमें silk को प्रोड्यूस करना होता है, उन्हें कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में रखा जाता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और बैम्बूज की ट्रे से प्लेस किया जाता है, ठीक है, इनक्यूबेट किया जाता है ताकि वो गर्म रहे. एन इनक्यूबेटर इज एन इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स इनसाइड विच अ सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट अ डिजायर्ड टेम्परेचर. इनक्यूबेटर एक इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिजायर्ड होता है, मतलब जितना टेम्परेचर की उन्हें नीड होती है उतना ही होता है. व्हेन द लार्वा द सिल्क वर्म हैच आउट ऑफ द एग्स. जैसे जो लार्वा होते हैं वो एग से बाहर निकलते हैं. दे आर फैड ऑन मलबरी लीव्स बिकॉज दे थ्राइव बेस्ट ऑन दीज लीव्स. तो उन्हें क्या करता है, मलबरी लीव्स मतलब शहतूत के पत्ते जो है उन्हें खिलाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से क्या हो जाएँ, ग्रो करें. नाउ रियरिंग सिल्क वर्म द फीडिंग पीरियड. Perforated sheet of paper is placed over the hatching box or tray and chopped leaves are spread over it. एक perforated sheet of paper होता है, मतलब holes होते हैं paper में, उसको रखा जाता है box के ऊपर, tray के ऊपर, और जो chopped जो leaf होती हैं, कटी हुई जो पत्ते होते हैं, उन्हें उसके ऊपर spread कर दिया जाता है.
After hatching, the silkworm come out of a perforation in search of food and feed on the leaves. जैसे ही जो egg से जो hatch होते हैं silkworm बाहर निकलते हैं, वो food की search करते हैं और जो leaves होती हैं उन्हें वो खाते हैं. During the feeding period, a silkworm sleep 4 times. ये जो feeding period होता है इसमें जो silkworm है वो 4 बार सोता है. 24 hours each time. मतलब हर period में 24 hours के लिए सो जाता है. एट इंटरवल ऑफ अबाउट 6 days. और करीब जो है 6 days का इंटरवल होता है इन पीरियड्स में. वेल स्लीपिंग इट्स स्किन क्रैक्स एंड ऑन अवेकनिंग द वॉर्म स्लॉ ऑफ दैट इज लीव्स द ओल्ड स्किन एंड कम्स आउट इन अ न्यू वन. ये जो पीरियड होता है जब वो स्लीप करता है तो जो उसकी स्किन है वो क्रैक हो जाती है. जैसे ही वो उठता है तो न्यू जो पुरानी स्किन है वो हट जाती है और न्यू स्किन आ जाती है उस पर. ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं मॉल्टिंग. After the fanning molting begin, the last feeding period of after which the worm grows to its full size. जो final molting start होती है ना, जो last feeding period होता है उसमें जो worm है वो अपने full size में grow जाता है. During this period the room must be kept perfectly clean and there should be enough light and air. इस दौरान जो room होता है वहाँ पर एकदम वो clean होना चाहिए, वहाँ पर enough जितनी light और air होनी चाहिए. A cocoon is a soft covering that an insect spin with silky threads to protect itself. Cocoon क्या है, एक covering होती है, soft covering होती है जो कि उस कीड़े यानी कि insect जो है वो उसके चारों तरफ spin कर लेता है. वो एक silky thread होता है जो उसको protect करता है. The thread is formed by the hardening of a liquid secreted by the insect. ये जो thread होता है ये किससे बनता है, एक liquid होता है, hardening liquid होता है जो उसकी body से सिक्रिएट होता है, निकलता है और फिर उसके चारों तरफ वो रैप हो जाता है, शेल बन जाता है, कोकून बन जाता है. ठीक है, हार्ड हो जाता है ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में. व्हेन द सिल्कवर्म इज़ फुली ग्रोन इट इज़ प्लेस ऑन सम स्ट्रॉ और स्मॉल बुशेस ऑन विच इट कैन मेक इट्स कोकून. जब सिल्कवर्म फुली ग्रोन हो जाता है तो उसको स्ट्रॉस और बुशेस में रख देते हैं जहाँ पर ये अपना कोकून जो है बना ले. Now the worm complete its cocoon which is about 4 cm long in about 5 days by producing 600 to 1200 meters of what is called silk filament. जो worm है ये अपना कोकून पूरा कंप्लीट कर लेता है, करीब 4 cm लेंथ ही होता है ये 5 days में और इसकी जो लेंथ है वह 600 से 1200 मीटर तक होती है जिसे हम सिल्क फिलामेंट बोलते हैं. What happens to the worm? During the period of spinning its cocoon, a silk worm is transformed into what is known as pupa. ये जो पीरियड होता है स्पिनिंग का जब वो अपना कोकून बनाता है तो सिल्कवर्म जो है वो किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है. इन अबाउट 10 days आफ्टर डैट इट बिकम्स अ मॉथ. और 10 days बाद ये एक मॉथ बन जाता है. इफ मॉथ इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन इट कम्स आउट बाय डैमेजिंग इट्स कम आउट बाय डैमेजिंग द कोकून. कुछ मॉथ जो हैं वो कोकून से अपने आप ही बाहर आ जाते हैं. सम कोकून्स आर सेपरेटेड सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मॉथ्स एंड रिप्रोड्यूस. कुछ जो कोकून्स उन्हें सेपरेट कर लिया था, अलग कर लिया था ताकि उनसे हमें नए मॉथ मिल सकें और रिप्रोडक्शन के लिए हमें यूज़ कर सकें. द रेस्ट आर ट्रीटेड एज फॉलोज. अबाउट 8 days आफ्टर द कोकून्स आर मेड. करीब 8 दिन बाद जब कोकून्स पूरी तरीके से बन जाता है, द प्यूपे आर किल्ड बाय एक्सपोजिंग द कोकून्स टू हॉट एयर. तो जो प्यूपे होते हैं उन्हें किल कर दिया जाता है हॉट एयर के थ्रू ताकि उनसे जो है हम कोकून हमें मिल सके. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक.